साल 1996 में बिहार के एक छोटे से गांव का लड़का जिसे दिल्ली में पहली बार लेटर छाटने की नौकरी मिली, पर उस टाइम पर उस लड़के को ये नहीं पता था कि वो एक दिन पूरे भारत का सबसे भरोसेमंद और बड़ा पत्रकार बनेगा और लोग उसे रवीश कुमार के नाम से पूरी दुनिया में जानेंगे। साल 1974 में बिहार के छोटे से गांव में बलिराम पांडे अपने घर एक बेटे रवीश का स्वागत करते हैं और शुरुआती दिनों में रवीश की परवरिश बिहार में ही हुई। साल 1990 में उन्होंने अपना हाई स्कूल पटना के लोयाला हाई स्कूल से पूरा किया, जिसके बाद रवीश कुमार ने लोगों के दबाव में आकर अपने 12वीं में साइंस स्ट्रीम को चुना। पर रवीश कुमार के हिसाब से वो उनकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी, क्योंकि जब रवीश कुमार ने मैथ्स और कैलकुलस देखी तो उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई और किसी तरह बड़ी मुश्किल के बाद उन्होंने रट रट कर अपने 12वीं यानी इंटरमीडिएट पास करी और साल 1996 में उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली जाने का फैसला किया, जहां उन्होंने अपना एडमिशन देशबंधु कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में लिया और साथ ही में NDTV में जॉब के लिए अप्लाई किया, जहां उनको अपनी पहली जॉब लेटर या चिट्ठियां छाटने की मिली। और उस टाइम पर NDTV पर बड़े बड़े पत्रकार जैसे राजवीर सरदेसाई, अर्णब गोस्वामी, विनोद दुआ काम करते थे और रवीश कुमार के मुताबिक वो इस टाइप के आदमी हैं जो हर चीज से प्रभावित बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर वो एयरप्लेन को देख लें तो उनकी पायलट बनने की इच्छा करने लगती थी और अगर सोल्जर को देख लें तो आर्मी ज्वाइन करने की इच्छा करने लगती। और क्योंकि वो NDTV में जॉब कर रहे थे तो इतने बड़े बड़े पत्रकारों को देख कर काफी ज्यादा प्रभावित हुए और जॉब के साथ साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा किया। पर क्योंकि NDTV में लेटर छाटने का काम वो अभी भी कर रहे थे, पर वो साथ ही साथ हर एक लेटर को खोलकर बड़ी ध्यान से पढ़ते थे और लोगों की परेशानियां समझने की कोशिश करने लगे, जिस वजह से उनकी दिलचस्पी न्यूज रिपोर्टिंग करके लोगों की समस्याओं को पूरे भारत तक पहुंचाने में बढ़ती गई। रवीश कुमार ने एक बार ये भी बताया कि वो NDTV के पुराने हेड राजदीप सरदेसाई से बहुत डरते थे, क्योंकि वो उनको बहुत ज्यादा डांट लगाते थे और उनकी डर के वजह से ही कभी कभार रवीश कुमार को ऑफिस के पीछे के दरवाजे से आना पड़ता था। और एक बार तो राजदीप सरदेसाई ने रवीश कुमार को उनके हेयर स्टाइल के लिए भी डांटा था कि वो देवानंद बनने आए हैं या जर्नलिस्ट बनने। रवीश कुमार ने ये भी बताया कि वो अपने NDTV ऑफिस में काम करने से काफी खुश थे, क्योंकि उनके एक गांव से आया लड़का डायरेक्ट NDTV दफ्तर में, जहां उस टाइम पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग, CCTV कैमराज और कंप्यूटर देख रवीश कुमार को लगता था कि वो नासा में काम कर रहे हैं। हालांकि शुरुआती दिनों में रवीश कुमार को काफी ज्यादा परेशानी हुई, क्योंकि NDTV ऑफिस में काफी अलग माहौल था। सब लोग इंग्लिश में बात करते थे और रवीश कुमार की इंग्लिश कुछ खासा अच्छी नहीं थी। और एक दिन जब रवीश कुमार अपने रोज की तरह लेटर छाट रहे थे, एक दिन उनके पास कॉल आई कि उनको रिपोर्टिंग के लिए चुना गया है, जिससे रवीश कुमार काफी ज्यादा हैरान हो गए। उसके बाद रवीश कुमार ने गाँव में जाकर असली मुद्दे, जो कोई और रिपोर्टर अपने शो में नहीं दिखाता, एक राजनेता बल्कि सियासत का सबसे बड़ा अभिनेता हॉस्टल में अनुसूचित जाति के गरीब छात्रों के विकास के लिए बनाए गए छात्रावास बिहार आने का मौका मिला था, तब ऐसी सड़कें बिल्कुल नहीं थी। अपने देसी स्टाइल में बताना शुरू किया, जमीन से जुड़े ये मुद्दे उनके देसी स्टाइल में लोगों को खूब पसंद आए, जिसके बाद जाकर रवीश कुमार को पहली बार NDTV के शो मॉर्निंग टाइम में 5 मिनट का स्लॉट मिला। और धीरे धीरे करके रवीश कुमार की बेबाक अंदाज में रिपोर्टिंग को देखते हुए उनके स्लॉट को 5 मिनट से 10 मिनट, फिर आधे घंटे का कर दिया गया और धीरे धीरे करके उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई और NDTV ने उनका खुद का शो रवीश की रिपोर्ट शुरू किया। जिसके बाद फिर रवीश कुमार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल आया 2011 का, जब रवीश कुमार का नया शो प्राइम टाइम लॉन्च हुआ, जिसने पूरे भारत में रवीश कुमार की छवि बिल्कुल बदल दी। इस शो में रवीश कुमार ने बिजली पानी से जुड़े लोगों के कॉमन मुद्दे की बात करी और वो मुद्दे जो बड़े बड़े चैनल नहीं दिखा रहे थे, जैसे बड़े तालाबों को माफिया कैसे हथिया लेते हैं, जैसी न्यूज़ें अपने शो में दिखाने लगे, जिसकी वजह से साल 2013 में उन्हें रामनाथ
सिंह का एक्सेलेंस अवार्ड इन जर्नलिज्म से नवाजा गया। साल आया 2014 का, जब उस टाइम पर रवीश कुमार ने बीजेपी गवर्नमेंट पर सवाल उठाना शुरू किया। एक विरोधी दल ने अमित शाह के आने पर जो सामान्य प्रक्रिया होती है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर शोल्ज, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के कारण लोग भोजन और दवा पर कम खर्च करने लगे, जिसके बाद से कुछ लोगों ने उनका खूब समर्थन किया और वहीं दूसरा पक्ष उनको नापसंद करने लगा। साल 2015 में रवीश कुमार ने अर्णब गोस्वामी को इनडायरेक्टली अपने शो में क्रिटिसाइज किया और न्यूज एंकर अर्णब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट पर राहुल गांधी के बयान के बाद आज कांग्रेस ने विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रवीश कुमार ने ये भी बताया कि 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आने के बाद उनको जान से मार देने के फोन्स आते रहते हैं। इतना डेयरिंग कि वो खुल के मारने की, कुछ फोन तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मेरा आईफोन है, लेकिन जब बाद में हमने सेटअप किया और उसको बजरंग दल वाले को आपने देखा, तो इस तरह से वो खुल के बात कर रहे थे कि आपको खींच के मार देंगे। और लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के बाद उनको आखिरकार ट्विटर तक छोड़ना पड़ा। दूसरी कंट्रोवर्सी उन्हें 2017 में झेलनी पड़ी, जब रवीश कुमार के भाई ब्रजेश कुमार पांडे को सेक्स रैकेट चलाने के लिए पॉस्को के तहत बुक किया गया। राजनीति में खलबली मच गई है। एक नाबालिग दलित लड़की ने कांग्रेस के नेता ब्रजेश पांडे पर सेक्स रैकेट में शामिल होने का आरोप लगाया है, पर क्योंकि इस रिपोर्ट को रवीश कुमार ने अपने शो में कवर नहीं किया, इस वजह से उन्हें लोगों की तरफ से काफी क्रिटिसाइज किया गया। पर कुछ लोगों ने रवीश कुमार के समर्थन करते ये बताया कि उनके भाई को जबरदस्ती फंसाया गया है, पर फिर भी इतनी सारी कठिनाइयों के बाद भी रवीश कुमार अपना काम करते रहे और असली मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते रहे। साल आया 2019 का, जब उनको एशिया के सबसे बड़े अवार्ड रैमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया और इस टाइम तक रवीश कुमार को NDTV के मैनेजिंग एडिटर की पोस्ट तक प्रमोट कर दिया गया था और साथ ही NDTV के चेयरमैन डॉक्टर प्रणव राव ने भी रवीश कुमार को इतने बड़े सम्मान के लिए बधाई दी। पर रवीश कुमार, जो कि अभी भी अपना काम बड़ी श्रद्धा से आम लोगों के असली मुद्दे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट जैसे जरूरी मुद्दों पर बात करते रहे और बड़े बेबाक अंदाज से सरकार पर सवाल उठाते रहे, जिसके बाद उनके पीछे सोशल मीडिया पर पूरी ट्रोल आर्मी तक लगा दी गई और यहां तक कि NDTV के हेड्स के ऊपर CBI जांच तक बिठा दी गई। एक इंटरव्यू के दौरान रवीश कुमार से सवाल पूछा गया कि क्या होगा अगर उनका चैनल ही बंद कर दिया गया, तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से ये जवाब दिया। यहाँ खड़ा होके न्यूज पढ़ देंगे सड़क पे, क्या है? मैंने कहा कहीं संविधान में लिखा है कि पत्रकार न्यूज पढ़ेगा तो स्टूडियो में ही पढ़ेगा? कहीं पढ़ देगा, पार्क में पढ़ देगा, गाड़ी में पढ़ देगा, नहीं होगा तो बाथरूम बंद करके जैसे गाते हैं वैसे न्यूज पढ़ देंगे। और साल आया 2022 का, जब बिना NDTV के फाउंडर्स के चाहे गौतम अडानी ने NDTV के पेरेंट कंपनी VCPL को अक्वायर कर लिया, जिसके बाद NDTV की ओनरशिप अडानी ग्रुप की हो गई। और क्योंकि नरेंद्र मोदी की रिलेशनशिप गौतम अडानी से काफी अच्छी बताई जाती है, इस वजह से ही NDTV को अक्वायर कर लिया गया, जिसके बाद रवीश कुमार ने फाइनली जाकर NDTV को इस्तीफा दे दिया और अपना खुद का YouTube चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल नाम से लॉन्च किया। और सिर्फ 8 महीने के अंदर ही रवीश कुमार के YouTube चैनल के सब्सक्राइबर लगभग 4.5 मिलियन से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो अब बस यही देखना है कि बिहार के छोटे से गांव का एक लड़का आगे कौन कौन से कमाल करके दिखाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल का आइकन दबा दें।